टहलावा क्षेत्र के फोड़का गांव में ईंट भट्टे पर कार्यरत 14 परिवारों के स्वतंत्र सदस्यों को बंधुआ बनाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में भट्टा मालिक पर आरोप है कि उसने मजदूरों की बकाया मजदूरी नहीं दी तथा बकाया राशि मांगने पर मजदूरों से मारपीट की। इस घटना में 3 महिलाएं घायल हुई है, जिन्हें एलनाबाद नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस प्रकरण की सूचना मिलने पर एलनाबाद प्रशासन ने मजदूरों को मुक्त करवाया और उन्हें सुरक्षित अपने घर भिजवाने के प्रबंध करने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी मुताबिक गांव पोड़का स्थित जिंदल बीकेओ ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों ने दिल्ली से ह्यूमन राइट कमीशन को शिकायत दी कि भट्टा मालिक यूपी के जिला शाहजहाँपुर से 14 परिवारों को ईंट भट्टा पर लेबर का काम कार्य करने के लिए लाया था। वे दिवाली के बाद से भट्टे पर काम कर रहे हैं। भट्टा मालिक सुनील ने उनकी पेमेंट नहीं दी है। मजदूरों ने भट्टा मालिक पर बंधक बनाने के आरोप लगाए। मजदूरों की शिकायत मिलने पर दिल्ली ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एलनाबाद पहुंची। रिंकू परियार ने उपमंडल अधिकारी अमित गुलिया से मुलाकात कर उन्हें सारी घटना बताई। एसडीएम ने कमेटी बनाकर जांच के व निरीक्षण करने के आदेश जारी किए तथा मजदूरों को सुरक्षित उनके घर 13-14 परिवार हैं। जी आप यहाँ कौन से भट्टे पे काम करने आए थे? जिंदल भट्टा। अच्छा, तो क्या आपको वहाँ आप घर जाना चाहते थे? जी जी जी। तो क्या कह रहे हैं वो? तो जाने नहीं देते, बंदी बना रखा है जी। कितने दिनों से? 1 महीने से जी। तो आपके पास खाने पीने का राशन वगैरह है नहीं? कुछ नहीं, 1 महीने से कुछ दिया ही नहीं राशन पानी कुछ भी। तो फिर आपको जो बंदी बना रखा था, तो आप यहाँ तक फिर आपने इस उसमें क्या स्टेप लिया, आपने क्या किया फिर? गरीब बंदों के साथ में जो करते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, उनको लिए उन्होंने फोन किया कि सर मेरे के लिए अब धमकी दे रहा है, यहाँ से भगाना चाहता है। पुरुष को लेके गया तो उसने धमकी दिया कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं साले इतना मारूंगा कि घर नहीं पहुँचोगे। तो हम लोग खामोश होकर बैठ गए। तो फिर लेडियों ने कहा कि अब आके यहाँ दिखाओ, मगर ये बात गलत है। तो इसने कहा काम कल की रात शाम इसने 7:30 बजे 20 गुंडे बुला करके हम लोग तो डर के मारे भाग गए। लेडियाँ रह गई, तो उन्होंने लेडियों का बुरा हाल किया, मार पीट किया। दो तीन लेडियाँ अभी सरसा भर्ती नहीं कर रहा है, सुबह की पड़ी वहाँ है। तो अब आप यहाँ ऑफिस में किस लिए आई हैं? यहाँ यही आए थे कार्रवाई यहाँ करने के लिए। आप ये सुनाएंगे तो देखो क्या होता है, इन्हें अभी तो कुछ सुना नहीं है। अभी एसडीएम साहब के आपके बयान हुए या नहीं हुए? हाँ, बयान तो हुए हैं, अब देखो सर क्या करते हैं। अच्छा अच्छा, किसने बुलाए? मालिक ने। आज से 1 महीने पहले हमें हमारा एक पूरे इंडिया में टोल फ्री नंबर चलता है, तो उस पर 1 महीने पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ के एक ईंट भट्टे पे, जिसका नाम जिंदल बीकेओ ईंट उद्योग है, वहाँ पर कुछ दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद में हमने 1 महीने तक देखा कि सच में कितना प्रॉब्लम है, मालिक क्या कर रहा है। तो फिर परसों अभी हम पहले तो एडीएम सिटी से मिले, उनको कंप्लेन किया, फिर एसडीएम सर से मिले यहाँ आके। तो फिर रात तक, सुबह तक कार्रवाई चली, उसमें हिसाब किताब हुआ, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। जो रेट ये कह रहे हैं वो मालिक जो पहले तो एग्री नहीं हुआ था, अब एग्री हुआ है तो भी वो पेमेंट हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट हुए हैं सभी मजदूरों के, स्टेटमेंट के आधार पे सभी बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आ रहे हैं। टोटल 77 लोग हैं, 14 फैमिली से हैं, सब बदायूं यूपी से हैं, वो नवंबर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैडम, आप भट्टा मालिक के खिलाफ सिर्फ पेमेंट का ही दावा कर रहे हैं या उसके खिलाफ बंधुआ मजदूरी का? बंधुआ मजदूरी कार्रवाई चाहती हैं? बंधुआ मजदूरी एक्ट ही तो मेन है, उसमें कार्रवाई होना जरूरी है। वो एसडीएम सर ने दिलासा भी दिया कि वो इसके बंधुआ मजदूर एक्ट के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई करेंगे। तो आपने एसडीएम साहब के सामने बयान अभी मजदूरों के हो गए या अभी होने हैं? मजदूरों के बयान हो चुके हैं और स्टेटमेंट के आधार पे बंधुआ मजदूरी के ही बयान आए हैं।
जी। तो अभी तक प्रशासन का आपके साथ कैसा सहयोग रहा? प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा है। सुना है पुलिस ने कुछ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया है कुछ लोगों के खिलाफ? हाँ, कल रात को महिलाओं के साथ काफी मारपीट हुई, जिसमें भट्टा मालिक, मुनीम और आस पड़ोस के कुछ लोग थे, तो जिसमें चार महिलाओं को काफी चोटें आई। तीन महिलाएं अभी भी एडमिट है, जिसमें से एक का थाइस जो है बैंड हो चुका है, हैंड बैंड हो चुका है, और सर में एक के काफी चोट आई है, तो सीटी स्कैन और एक्सरे भी हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि सीरियस चोट है, तो अभी वो एडमिट है यहाँ के जनरल हॉस्पिटल में। इस मामले में बट्टा मालिक ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि जो मजदूर ने आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार है, उनको बंधक नहीं बनाया गया था, हालांकि भट्टे के आसपास चार दीवारी भी नहीं है।